कटिहार जलस्तर में कमी के साथ गंगा अपने रौद्र रूप में बोल्डर पिचिंग गंगा में समाया, कटाव में हुई तेजी। कटिहार के मनिहारी के गंधी टोला के समीप बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा बनाया गया कटाव निरोधी बोल्डर पिचिंग स्लोप दो जगहों पर करीब 30 मीटर गंगा के कटाव की वजह से गंगा में विलीन हो गया है, जबकि कटाव अभी भी जारी है। कटाव की हालत देखकर मनिहारी के लोगों में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि जिस तरह पिचिंग कार्य को मनिहारी का अस्तित्व बचाने के लिए किया जा रहा है, वह खुद को बचाने में असक्षम है। ऐसे में लोगों द्वारा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर ऐसे कटाव होता रहा तो बहुत जल्द गंगा मनिहारी में प्रवेश कर जाएगी। वहीं जानकारी मिलते ही मनिहारी के SDM आशुतोष द्विवेदी कटाव स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया। देखें वीडियो रिपोर्ट कटिहार से विमल कुमार के साथ। कटाव तो ये करीबन जो है 2 साल पहले हम लोग जो है आंदोलन किए, कटाव का कार्य चालू हुआ। जितना नेता पक्ष विपक्ष जितना भी सरकार में सबके पास भेजे, कटाव का काम चालू हुआ। तो हम लोग सोचे कि अब अस्थाई से काम जो 106 करोड़ का काम अच्छे ढंग से होगा, लेकिन उस ढंग का काम नहीं हुआ। अब उधर जो है, अब देखिएगा कि दो भाग में जो है इसका जो है CS जो होता है बांट दिया गया। एक जो आपका काढ़ा गोला जो है परमंडल, क्या बोलता है, परमंडल है शायद, तो जो है अलग उसके अंदर में दे दिया। आपका जो है यहाँ गांधी टोला से कुछ जो 0 पॉइंट से इधर जो दिया गया है, यहाँ से बोल्डर पिचिंग था, उधर बोरा पिचिंग था। बोरा पिचिंग भी देखे बाढ़ आया, बाढ़ में जो है कटने लगा। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा बहुत धंसेगा, ऐसा जो है नया नया मिट्टी पर है, लेकिन पूरा धंसते हुए कटते गया। उसके बाद देखते हैं कि वो 0 पॉइंट पर ठीक था, उधर हम लोग पानी बढ़ते गया। बीच में देखे कि एक जगह जो है रात में कटने लगा था। हम लोग बोले थे उस समय भी कि आपका काम सही ढंग से नहीं हुआ है, ठेकेदार जो उस मन मुताबिक जो काम नहीं करवाया जो हम लोग चाह रहे थे। उसके बाद जो है एक जगह कट गया, उसके बाद बीच में जो है फिर कट गया। तो हम लोग आप लोग के माध्यम से फिर जो हम देने का काम किए मीडिया में। उसके बाद फिर देखते हैं कि इधर भी कटने लगा, ठोकर था, ये कटते कटते इधर जो है करीबन 50 फीट बचा था। हम लोग सोचे काम अब जो है लगता है कि जो 50 फीट कट जाएगा तो गंगा जो है हम लोग के गाँव के तरफ जो प्रवेश कर जाएगा। लापरवाही किसकी है? लापरवाही इसमें जो है ठेकेदार का है। ठेकेदार काम तो सही नहीं किया, अगर काम करता तो आज जो है देखते हैं घटा हुआ पानी है छत पर। हम लोग सोचेगा अच्छा से वहाँ जो है बोल्डर पिचिंग है, जो घाट जो सही रहेगा। 30 फीट नीचे दिया तो ऊपर जो ऊंचाई जो है जो किया था वो उस ढंग का काम नहीं। ऊपर तो कटिए गया, नीचे जो 30 फीट वो भी कट रहा है, उसमें अभी भी देखिएगा कटिए रहा है। तो उसमें बांस उस दे के वो लोग रोकने का काम किया। उसमें जो 4 फीट जो है जो पानी लिया रहता है मार्च में, उस समय से काम किया तो उसमें 4 फीट जो है बोरा जो है देने का काम करता है, लेकिन वो काटता है 10 फीट नीचे से, 15 फीट नीचे से। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें सही ढंग से काम हो, कोई ठोकर वोकर हो जो कि गंगा का रुख जो मोड़ने का काम करेगा। गंगा जो इस मोड़ ही रुख है उसका, और इन लोग का काम जो सही ढंग से नहीं होता है। कहीं पर जो है ऊंचाई घटा देता है, जो डाउनिंग होता है उसमें घट जाता है, कहीं पर जो है ऊंचा कर देता है। देखिए 0 पॉइंट जो है कटने वाला नहीं था वहाँ कट गया। किस ढंग जिस राज्य में आपने कटाव स्थल का निरीक्षण किया, सर क्या पाया गया वहाँ? ये गांधी टोला के पास में जहाँ अभी कुछ समय पहले बोल्डर पिचिंग कराई गई थी, वहाँ पे लगभग 30 मीटर का एक सेक्शन है जो बोल्डर्स के साथ में कटाव करके सब मर्ज हो गया है। तो उसी को लेकर के निरीक्षण किया गया है और ये देखा गया कि बोल्डर्स के साथ में कटाव हो गया है वहाँ पे। इसके लिए काढ़ा गोला डिवीज़न के जो बाढ़ के अधिकारी हैं उनको सूचित किया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए उनको निर्देशित किया जाएगा। सर इसमें किसकी लापरवाही पाई जाएगी सर? ये देखिए अभी ये तो एक टेक्निकल इशू है कि क्यों ऐसा हो गया और इतनी जल्दी ही हो गया। तो ये अब जो बाढ़ प्रमंडल के अधिकारी हैं उनको सूचित किया जाएगा, वो एक टेक्निकल जांच करके फिर वो बताएंगे कि किस वजह से ऐसा हुआ, क्या कारण थे, और उन कारणों की समुचित जानकारी मिलने के बाद ही कहा जा सकेगा कि क्यों ऐसा हो गया।